सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर सो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं और गाइज यहाँ पर अगर देखें दो इम्पोर्टेंट शेयर्स हैं जिनको बिल्कुल वॉशलिस में रख लेना जिन पर नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कुछ न्यूज़ है यू के से और यू एस से भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर अगर देखें गाइज जो सेबी है यहाँ पर अगर देखें सेबी प्रॉप्स अडानी ग्रुप्स लिंक To investors as Modi's office is report. तो इन्वेस्टर्स एज मोदी बैरिफ्ट रिपोर्ट तो गैस यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें यहाँ पर जो अड़ानी के कनेक्शन है यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के कनेक्शन है मोदी के साथ वो यहाँ पर क्लियर करने के लिए जांच यहाँ पर बिठाई जा रही है जो जांच के लिए मांग किए जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल यहाँ पर उनके ऊपर रिएक्शंस लिए जा रहे हैं और वही अगर देखें जो अड़ानी के जो दस कंपनियां हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है उनके से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ यहाँ पर आ रही है अडानी ग्रुप फ्रॉम स्लिप्ड ऑन थर्सडे विद तो सेवरल हिटिंग द लोअर सर्किट ब्रेकर एम इड रिपोर्ट्स दैट नॉर्वे सेवराइन वेल्थ फंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इन्वेस्ट शेयर्स इन्वेस्ट इन्वेस्ट तो गाइज यहाँ पर आपको पता ही है सोवेराइन वेल्थ फंड आपको पता है यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं हैज़ विड्रॉन आल इट्स मनी फ्रॉम द कंपनी स्टॉक्स तो यहाँ पर उनका जितना भी पैसा है वो विड्रॉल यहाँ पर कर रहे हैं इन द यू के प्रॉब इज रिपोर्टली अंडर वे इन टू द अफेयर्स ऑफ अडानी लिंक्ड कंपनी सो गैज यहाँ पर जो यू के के पी एम है जो यू के के पी एम है बोरिस जॉनस जो फॉर्मर पी एम रह चुके हैं उनके जो ब्रदर है यह, उनका जो भाई है वो यहाँ पर अगर देखें उनका काफ़ी बड़ा पैसा यहाँ पर अटका हुआ है जो अडानी से लिंक्ड है जो कंपनीज उनसे वो बिल्कुल सेल करके अपना पैसा निकाल रहे हैं तो भी एक न्यूज़ यहाँ पर आ रही है मोस्ट uh, अडानी ग्रुप स्टॉक्स क्लोज लोअर अडानी इंटरप्राइज डाउन तो बिल्कुल गैस अडानी इंटरप्राइजेस हमें लास्ट ट्रेडिंग सीजन काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिला द मार्केट कैप ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज फेल अगेन बाई थ्री पॉइंट थ्री परसेंट तो गैस जो अडानी ग्रुप का अडानी ग्रुप की जो कंपनीज़ है उनका जो मार्केट कैप है वो बिल्कुल थ्री पॉइंट थ्री परसेंट से यहाँ पर फैल गया है दस फरवरी के अराउंड फॉलोइंग द एम एस सी आई डिसीज़न टू कट फ्री फ्लोट वेट तो गैस यहाँ पर जो एम एस सी आई के डिसीजन के बाद जो कट uh, किया गया है फ्लोट वेट को उसके बाद इन कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है शेयर गिरते हुए हमें नज़र आया और यहाँ पर अगर देखें एन ए सी ने बिल्कुल यहाँ पर अडानी पोर्ट्स को हटाया है अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट को हटाया यहाँ पर सर्विलियंस फ्रेमवर्क जो होता है उससे इन्होंने हटा दिया है तो गाइज यहाँ पर अगर देखें इंडबर्ग की न्यूज़ के बाद यहाँ पर अडानी के कुछ शेयर्स के ऊपर अडानी पोर्ट्स अडानी इंटरप्राइज जैसी कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जा रही थी तो उनको यहाँ पर अगर देखें तो उनको नज़र से अभी दूर रखा जाने वाला है तो उन्हें हटा दिया है इस चीज़ से दर्स हैड प्लेस्ड थ्री अडानी ग्रुप कंपनीज अडानी इंटरप्राइजेस अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड अंबुजा सीमेंट अंडर शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलियंस तो गाइस इन्हें बिल्कुल जांच में रखा गया था यहाँ पर हिंडबर्ग की न्यूज़ के बाद तो उसके बाद अभी अगर देखें तो उन्हें हटा दिया है इस चीज़ से तो एक अच्छी खबर भी यहाँ पर अड़ानी है द एनएस मूव रिमूव अड़ानी पोर्ट्स बिल्कुल गाइस वही खबर सामने आ रही है अड़ानी हिंडबर्ग हिंडवर्क सागा यहाँ पर जो चल रहा है ग्लोबल फर्म मूडीज़ कट्स रेटिंग आउटलुक फॉर आउटलुक ऑफ फोर अड़ानी कंपनीज तो गैज़ चार अडानी कंपनीज जिन पे मुडीज़ ने जो उनका नेगेटिव यहाँ पर स्टेटमेंट था वो बिल्कुल अब स्टेबल हो रहा है यहाँ पर अगर देखें ये न्यूज़ यहाँ पे आ रही है मुडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ऑन फ्राइडे रिवाइज्ड डाउन द रेटिंग आउटलुक फोर अड़ानी ग्रुप कंपनीज टू नेगेटिव फ्राम स्टेबल तो गैस यहाँ पर बिल्कुल उन्होंने अपनी रेटिंग को रिवाइज किया है बिल्कुल बदला है जो नेगेटिव रेटिंग उनकी ओर से दिया जा रहा था बिल्कुल अब वो स्टेबल हो गई अब सिग्निफिकेंट एंड रैपिड डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू फॉलोइंग अ रिपोर्ट बाय यूएस एस बेस्ट टू गाइज यूएस एस बेस्ट जो शॉर्ट सेलर है यू से जो एक कंपनी है जो उनकी ओर से जो रिसर्च और स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए तो उसके बाद स्टॉक में काफ़ी हद तक गिरावट आई थी उन्होंने यहाँ पर कहा है गाइज रेटिंग आउटलुक फॉर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अडानी ग्रीन एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप अडानी ट्रांसमिशन स्टेपन स्टाइट लिमिटेड एंड अड़ानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई एल टी डी हैज़ बीन चेंजेड तो गैस यहाँ पर कुछ कंपनी जैसे मैंने अभी नाम लिया उन कंपनियों में जो नेगेटिव रेटिंग थी और नेगेटिव से अब बिल्कुल स्टेबल इनकी ओर से कर दी गई है तो ये भी एक न्यूज़ सामने आ रही है सो गैज यहाँ पर दो शेयर्स के बारे में हम डिस्कस अब करने वाले हैं यहाँ पर पहला शेयर हमारा होगा अडानी इंटरप्राइजेस फिर अडानी फोर्ट इन दोनों शेयर्स पर आपको नज़र रखनी होगी तो यहाँ पर अड़ानी इंटरप्राइज़ में अगर देखें तो कुछ ए लेवल आपके सामने है ए लेवल पे आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा कल अगर ब्रेकआउट मिल जाता है तो काफ़ी बड़े लेवल यहाँ पर अचीव होने वाले हैं काफ़ी तगड़ा पैसा आपका यहाँ पर बन सकता है सो लेवल्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये देख सकते हो आप बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है और जब जब सपोर्ट लिया है स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं यहाँ पर अगर देखेगा सत्रह के अराउंड का लेवल था यहाँ से सीधा स्टॉक दो के अराउंड चले गया था फिर यहाँ से स्टॉक में बढ़त आई फिर बाईस सौ अराउंड ये शेयर चले गया था तो ऐसे रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल अपसाइड डाउंस मोमेंटम है ऊपर के लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है नीचे के लेवल से हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है इसी अपसाइड डाउंस मोमेंटम के चलते स्टॉक में यहाँ से एक फॉल भी हमें देखने को मिल रहा है गए तो हो सकता है कि कल के दिन या तो ये शेयर सीधा नीचे की ओर गिरे या फिर यही से सस्टेन करके स्टॉक ऊपर की ओर जाए तो ऊपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो स्टॉक में जो बाईस सौ रुपये का लेवल है वो बाईस सौ रुपये का लेवल इजी तरीके से यहाँ पर हमें अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है बट वही अगर नीचे की ओर ये कंटिन्यू करता है तो बिल्कुल कल के दिन ये सत्रह सौ के प्राइस तक ईजी तरीके से आने वाला है बिल्कुल गैस सत्रह सौ का प्राइस यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल एक फॉलिंग वेस्ट टाइप पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो सत्रह सौ का लेवल ही हमें नीचे दिखाई देता है जहाँ पर ये शेयर सपोर्ट ले सकता है अब गाइज़ यहाँ पर अड़ानी इंटरप्राइज के बाद हम बात करेंगे अड़ानी पोर्ट स्पेशल के बारे में सो so गाइज अड़ानी पोर्ट्स में अगर देखें ऊपर का एक लेवल है ये लेवल है छः सौ रुपये गैराम का ये छः सौ रुपये के लेवल से स्टॉक में हमें काफ़ी हद तक की गिरावटें नज़र आ रही है पहले अगर देखें इस लेवल से काफ़ी हद तक ये शेयर गिर चुका है फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक ने हाई लगाए फिर यहाँ पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में फिर एक बड़ा फॉल आया फिर इस ट्रे, पर्टिकुलर ट्रेड लाइन पर इसने सपोर्ट लिया फिर यहाँ पर फिर छः सौ रुपये के प्राइस पे आया फिर यहाँ से एक फॉल देखने को मिला यहाँ ही से स्टॉक में एक बढ़त आई थी फिर गाइज़ अगर देखिए यहाँ पर रिजेक्शन मिल चुका है तो फिर से गिरावट यहाँ पर हो सकती है पाँच सौ सत्तर रुपये का अराउंड का लेवल यहाँ पर अचीव होता नज़र आ सकता है बट वही अगर छः सौ रुपये का लेवल कल के दिन ब्रेक हो जाता है हाई वॉल्यूम के साथ तो यहाँ से स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम हमें नजर आने वाला है और जैसे ही यहाँ पर एन की न्यूज़ भी आ रही है कि उन्होंने उन्हें स्पेशल सर्विलियंस से हटा दिया है तो यहाँ से स्टॉक में एक बैक टू बैक हमें तगड़ी बढ़त भी देखने को मिल सकती है और एक पॉजिटिव यहाँ पर लेवल है हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है गैस और कल के दिन इस रेंज को ब्रेक कर देता है सिक्स हंड्रेड के लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहां से स्टॉक में काफी बड़े लेवल्स अचीव होने वाले काफी बड़े मोमेंटम अचीव होने वाले क्योंकि इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है और बस आपको वेट करना है ब्रेकआउट का सो गैज यहाँ पर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन अड़ानी स्टॉक्स में चल रहा है बट देखना होगा क्योंकि मंडे के दिन काफी बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है होप वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन शेयर्स का एक बार अनालिसिस कर लेना थैंक यू